हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप योर ड्रीम्स। आई एम आयुषी, वे अपलोड माय फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल वीडियोस गाइस। सो टुडेस वीडियो इज ऑल अबाउट लाइक पैम्परिंग वीडियो। एंड आज की वीडियो में सिर्फ आपको अकेले मैं ही नहीं दिखने वाली हूँ, एक और शख्स है जो आपसे मिलने वाला है। सो बुलाते हैं उनको, कौन है वो, तो इट्स जस्ट सस्पेंस। एंड आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो, सो सोचो कौन है। सो गाइज, मीट माय मॉम। एंड आप इनसे ऑलरेडी एक वीडियो में मिल चुके हो, एंड उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो वाला वीडियो था कि आई गिफ्ट माय मॉम अ साड़ी, लाइक मैंने उनको मतलब यू नो मैंने खुद ने डिज़ाइन की थी उनकी वो साड़ी। बट प्रॉबेबली दिस इज लाइक अ सेकंड वीडियो विद हर। एंड लाइक इनका भी यूट्यूब चैनल है विच इज़ रिलेटेड टू द कुकिंग। चैनल का नेम है विच इज़ एवरीथिंग आई मेंशन इन दिस लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। सो जाओ और इनके चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब करो। द नेम विच इज किचन विद हेमलता। या आज का वीडियो लाइक सुपर अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज टुडे आई शेयर विद यू गाइज, बिकॉज टुमारो इज तीज। एंड लाइक जोधपुर इंडिया में तीज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है फॉर द सुहागनों के लिए। प्लस लाइक नॉन मैरिड गर्ल्स भी करती है, बट मैं तो नहीं करती। यू नो काफी अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तीज से पहले बहुत पार्लर्स वार्लर जाती है अपने हेयर्स एंड अपनी स्किन को बहुत पैम्पर करती है। एंड राइट नाउ यू ऑल नो दैट कि कोरोना चल रहा है, पार्लर जाना अफोर्ड नहीं कर रहे, लाइक रिस्क है बहुत ज़्यादा। तो हम वो जो कुछ भी हम पार्लर्स में करते हैं, जो यू नो तीज के एक दिन पहले का जो पूरा सेशन होता है जो हम पार्लर में करते हैं, वो आज सब मैं मेरी मम्मी को यू नो घर पे प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। मैं सब कुछ उनको यू नो अपने हाथों से ही सब कुछ करने वाली हूँ उनके लिए। सो आज का वीडियो बहुत अमेजिंग प्लस इंटरेस्टिंग होने वाला है। टोटली अगर मैं बात करूँ तो आज मैं मेरी मम्मी को पैम्पर करने वाली हूँ फॉर द तीज के लिए, बिकॉज कल तीज है, तो मैं आज उनको पैम्पर करने वाली हूँ। प्लस लाइक मैं उनका हेयर कलर करने वाली हूँ, लाइक इट्स अ हेयर ट्रांसफॉर्मेशन मैं उनको देने वाली हूँ। सो आपको इस वीडियो में लाइक बहुत मज़ा आने वाला। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट स्टेप पैम्परिंग का, आई डू हर हेयर कलर, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स आ रहे थे, तो उनको हाइड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है लाइक तीज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उनको हम एक अच्छा खासा हेयर कलर देते हैं और उनके जितने भी ग्रेज है उनको हाइड कर देते हैं। आई यूज़ दिस गार्नियर का कलर नेचुरल क्रीम ब्रिज एंड दिस इज़ लाइक अमेजिंग। मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, सब कुछ देख रेख के मैंने इसको लिया है। क्लेम कि ये 8 वीक्स तक टिकेगा आपके हेयर्स पे, सो देखते हैं कितने टाइम तक स्टे करता है हेयर्स पे। तो उसका मैं कभी छोटा मोटा रिव्यू आपको यू नो इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टा हैंडल। शेड इज विच इज नेचुरल ब्लैक, लाइक विच इज ब्लैक कलर जो ऑलमोस्ट हर माओ को अच्छा लगता है कि उनके बाल कभी व्हाइट ना आए और ग्रे ना आए। सो दिस इज द नेचुरल, सो दिस इज द ब्लैक इन कलर एंड दिस इज लाइक नो अमोनिया है और आपको सिल्की एंड शाइनी हेयर्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक द कॉस्ट अराउंड विच इज 180 रुपीज़। एक्चुअली मैंने इसको प्रिंक फ्राइडे सेल में इसको परचेज किया, तो आई थिंक मुझे 150 या 160 अराउंड समथिंग का कुछ पड़ा। सो मैंने एक्चुअली 2 ले लिए बिकॉज उनके हेयर्स काफी लॉन्ग है, सो पता नहीं कितना यूज होगा कितना नहीं होगा। सो बेटर एक और ऑप्शन होना चाहिए। जिन लोगों को कलर्स लगाना नहीं आता है तो वो लोग इस वीडियो से सीख लेंगे, प्लस उनको पता लग जाएगा कि कलर कैसे अप्लाई करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स वो भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बहुत लंबा हो गया। सो दीज आर द कलर्स। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ इनसे। सो दिस इज द कलर, ये ट्यूब फॉर्म में जो आता है विच इज द कलर, तो ये ब्लैक कलर है। एंड सेकेंड जो आपको मिलेगा विच इज़ डेवलपर, तो आपको इन दोनों को मिक्स करना होता है फर्स्टली। एंड एक और चीज़ जो हमें रिसीव होती है वो मैं आपको खोल के बताती हूँ कि ये क्या क्या रिसीव हुआ है मुझे। सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग के साथ, आई थिंक ये ग्लव्स हैं, आई थिंक जो पॉलीथीन के टाइप के हैं। एंड दिस इज़ द कंडीशनर। या सो जो थर्ड स्टेप है विच इज़ ये कंडीशनर, आपको इसके के अंदर प्रोवाइड कराते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कंडीशनर यू नो जो आपके घर पे आपको वो यूज़ करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसी कंडीशनर को यूज़ कीजिए आफ्टर कलरिंग के बाद। एंड देन आपको एक प्रॉपर यू नो इंट्रोडक्शन पेपर है कि हाउ टू यूज़ एंड लाइक डायरेक्शन टू यूज़ लाइक ईच एंड एवरी थिंग, कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है एंड ए टू जेड। लाइक जस्ट लुक एट दिस, लाइक हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, लाइक हर एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो और अच्छे से यू नो अपने कलर को कर सकते हो, लाइक इट इज़ सो ईजी। सो गाइज फर्स्टली वी नीड लाइक अ बाउल, और आपका जो बाउल है वो मस्ट बी लाइक स्टील वाला बाउल नहीं होना चाहिए, विच इज़ मस्ट बी ग्लास वाला या फिर प्लास्टिक वाला होना चाहिए। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है विच इज़ दैट कि आपको ये दोनों इक्वल क्वान्टिटी में चाहिए, ये दोनों आपको इक्वल क्वान्टिटी में मिक्स करना है। ओके
सो दिस इज द कलर. सो मैं एक बार तो ये फुल ट्यूब लेने वाली हूँ, बिकॉज मेरे पास एक और पैक है पूरे कलर का, और एक ट्यूब जितना तो मुझे यूज हो ही जाएगा. सो हमने लाइक फुल ट्यूब को अच्छे से यूज कर लिया, आप देख सकते हो पूरा खत्म हो चुका है. देन वी जस्ट शेक इट दिस डेवलपर. दिस इज द डेवलपर. Then we need a brush ताकि हम इसको अच्छे से you know mix कर पाएँ, और हमको इसको बहुत ही smoothly mix करना है, you know बहुत अच्छा texture हो जाना चाहिए इसका. You know हल्का हल्का सा थोड़ा charcoal color आ रहा है like. So the color is ready, आप देख सकते हो इसका color थोड़ा blackish color का हो रहा है धीरे धीरे. So just look at the grey hairs, आप देख सकते हो ये इतने सारे grey hairs है. Mostly मेरी मम्मी के जो hairs है which is scalp में बहुत ज़्यादा grey hairs है, बाकी इतने ज़्यादा उनके नहीं है. तो mostly उनके scalp में कुछ एक जगहों पर छोड़ छोड़ के like आप देख सकते हो. This is the grey hairs, like just look at the grey hairs, like ये ही सारा grey hair है. आप देख सकते हो जो कलर था जो व्हाइट था वो यू नो अच्छे से ब्लैक और जो ग्रे के फॉर्म में आ चुका है. जस्ट लुक एट दिस. सो द वन थिंग विच इज डिस्क्लेमर कि इसको यूज करने से पहले आप यू नो यहाँ पे यू नो अपने कान के पीछे यू नो रिस्ट पे पैच टेस्ट कर लो यूज करने के यू नो बिफोर 25 आवर्स पहले. लाइक अगर आपको आज यूज करना है तो आप एक दिन पहले उसको पैच टेस्ट करो और उसको देखो कि इजीली आपको कोई रिएक्शन तो नहीं देता है, तब ही आप इसे यूज कीजिए. सो मैं ऑलरेडी पैच टेस्ट करके देख चुकी हूँ विच इज कुछ कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है. अगर आपको लग रहा है कि आप ब्रश से नहीं लगा पा रहे हो तो यू नो आप अच्छे से यू नो हैंड से भी यूज कर सकते हो इसको, ताकि यू नो ये हर जगह पहुंच जाए. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors. गाइस मैं यूज कर रही हूँ ये वेट वाइप ताकि जहाँ पे भी एक्स्ट्रा कलर्स हो हम उसको रिमूव कर पाए. सो अब मैंने हेयर कलर कर दिया है. देन इसके बाद में मैं यूज करने वाली हूँ दिस. ऑलरेडी मैं अपने बर्थडे पे यूज कर चुकी हूँ एंड दिस वन इज अ उपटर्न फेस पॉश. लाइक मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ लाइक फेशियल करना. हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारा फेस क्लीन होना चाहिए, तो मैं इससे यू नो इस फेस वॉश से मम्मी का फेस क्लीन करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट इट. इसका फ्रेग्रेंस ना बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज इसमें केसर है, उपटन है एंड ग्राम फ्लोर है एंड लाइक बहुत सारे होममेड इंग्रेडिएंट्स हैं. तो इसका फ्रेग्रेंस लाइक हुआ वो बहुत अच्छा लगा. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्टनेस लग रहा है. सो गाइस देन आई यूज दिस स्क्रब विच इज सेम इसी सीरीज का है, तो मैं इसको यूज करने वाली हूँ. इट्स सो क्रीमी कंसिस्टेंसी है और बहुत अच्छा है, लाइक बहुत अच्छा है. World seems small
We can sit together. It's so beautiful, you and me. So then I apply this Biotica toner ताकि जितने भी यू नो स्क्रब करते हैं तो अपने पोर्स ओपन हो जाते हैं. उन पोर्स को वापस पैक करने के लिए बंद करने के लिए वी यूज टोनर और मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिका बायो कुकम्बर टोनर. दिस इज द अमेजिंग टोनर. लाइक ये बहुत अच्छा टोनर है और बहुत अच्छा वर्क करता है. This Upton face and body pack and मैं ये use करने वाली हूँ. So it's a full series जो मेरे पास है जो मैंने अपने birthday पे use की थी because उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा glow and काफ़ी ज़्यादा अच्छा result मिला था. So मुझे लगा why not, क्यों ना मुझे you know एक बार मम्मी पे try करके देखना चाहिए कि उन पर कितना अच्छा glow आता है and all. So today I use this pack and इसी के साथ में आपको एक brush भी मिलता है. So मैं pack लगाने वाली हूँ. So hi guys, today is the next morning. Like आज second है because कल मैं अपना video complete नहीं कर पाई थी because बहुत ज़्यादा late हो चुका था and थोड़ी रात भी हो चुकी थी. So possible नहीं हो पा रहा था shoot करना. So और बाल you know बहुत ज़्यादा गीले थे wet थे. So उस according नहीं हो पा रहा था और अच्छे से आपको दिखता भी नहीं, you know visibly difference आपको नहीं दिखता. So today is the second day, today is the teeth and yeah one more thing के you know रात को ही मैंने मेहंदी भी लगवा ली थी. I really like मेहंदी, like मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना और like I really enjoy मेहंदी and all those, like मुझे बचपन से अच्छी लगती है. आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब हेयर्स कैसे दिख रहे हैं और अब मेरी मम्मी कैसी लग रही है. सो हेयर इज माई मम्मी एंड लाइक आप देख सकते हो उनके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जो मैंने मम्मी को पैम्पर किया था, उनका हेयर कलर किया है एंड ऑल दोज. सो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब कुछ उनके लिए करके एंड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा और बाल भी शाइन करने लग गए इससे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई होप आपको ये थोड़ा मोटा पैम्परिंग सेशन अच्छा लगा हो मम्मी के साथ एंड आप भी अपनी मम्मी को ऐसा छोटा मोटा पैम्परिंग सेशन दीजिए ताकि उनको अच्छा फील हो और लाइक उनको अच्छा लगे. दैट्स ऑल. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन गाइज फॉर मोस्ट अमेजिंग वीडियोज़ के लिए. सो बाय.